हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर नाम बदलने से हालत सुधरती है तो यूपी के बेरोजगारों को अपना नाम अंबानी रख लेना चाहिए। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद बीजेपी को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं से लेकर कई पत्रकारों ने नाम बदले जाने के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राजा हर्षवर्धन ने अपने दान से प्रयाग कुंभ का नाम किया था और आज के शासक केवल प्रयागराज नाम बदल कर अपना काम दिखाना चाहते हैं। इन्होंने तो अर्ध कुंभ का भी नाम बदल कर कुंभ कर दिया है। ये परंपरा और आस्था के साथ खिलवाड़ है। वही कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार काम कोई नहीं करती है, बस नाम बदलने पर भरोसा रखती है। इलाहाबाद का एक इतिहास, सभ्यता और प्रशासनिक वजूद रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हम लोगों को उसकी गरिमा को कम होने से रोकना चाहिए। एक यूजर अभिषेक मिश्रा ने इस पर तंज कसते हुए लिखा, अगर इलाहाबाद का नाम बदलने से यूपी की हालत सुधरती है तो बेरोजगारों को भी अपना नाम बदल के अंबानी रख लेना चाहिए। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कुछ संतों ने उन्हें इलाहाबाद में ये प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल राम नाईक ने भी इस प्रस्ताव पर हामी भरी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।